दर्शकों नमस्कार, मैं निषाद लांजी और आकाश न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेडसी में नकली नोटों के साथ दो आरोपी गिरफ्तार, दो फरार। वासिम जिले के मेडसी के साप्ताहिक बाजार में 50 रुपयों के नकली नोट चलाते हुए व्यापारियों की सतर्कता से दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, अन्य दो आरोपी फरार हो चुके हैं। बताया गया कि मेडसी में शुक्रवार को साप्ताहिक बाजार 27 बाजार में फोर व्हीलर गाड़ी से चार लोग आए, उनमें से तीन लोगों ने नकली नोटों से सामान खरीदी करना शुरू किया। कुछ व्यापारियों को नकली नोट होने का संशय आने से व्यापारियों ने दो आरोपियों को पकड़कर मेडसी पुलिस चौकी में ले गए। जमादार सुरेंद्र तिखिल ने अधिक जांच करने पर आरोपियों के पास से 50 रुपयों के 1450 रुपये मिले। मेडसी पुलिस ने प्रतीक बाबाराव खामले उम्र 25 वर्ष बरदा पुलगांव तथा दिनेश राजेश देशमुख उम्र 24 गांव पुलगांव, इन दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। मेडसी बाजार में नजीक के 12 से 15 गांव के लोग बाजार करने आते हैं। साप्ताहिक बाजार में गर्दी देखकर आरोपी नकली नोट चला रहे थे, लेकिन व्यापारियों के सतर्कता से आरोपी पुलिस गिरफ्त में चले गए। देखिए आकाश न्यूज के लिए हमारे मालेगांव प्रतिनिधि अजय चौधरी की खबर।